बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में सबसे आगे दिख रही द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। उसकी घोषणा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई बैठक में बसपा को अलग रखा, तो वहीं शरद पवार ने बैठक में भाजपा के लीडर को नहीं बुलाया। ये उनकी सोच को दिखाता है। साथ ही राष्ट्रपति प्रत्याशी चुनने के दौरान विपक्ष की साजिश दिखी। हम एनडीए को नहीं बल्कि एक आदिवासी के समर्थन में मतदान करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बसपा पिछलगु पार्टी नहीं है, बसपा को अलग थलग रखने की वजह से बाकी दलों की जातिवादी रवैया है। तो वहीं विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर नहीं है या सिर्फ एक दिखावा है, तो वहीं बीजेपी पार्टी भी विपक्ष से बात करने में एक दिखावा करती है। बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताकर झूठा आरोप लगाकर बाकी दलों ने बर्बाद किया है। इसके आगे मायावती ने कहा कि बसपा के नेतृत्व को बदनाम करने के लिए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी रत्ती भर भी नहीं चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच देश पर लागू हो, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हम आदिवासी समाज की महिला को अपना पूर्ण समर्थन देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।